बात करेंगे तूफान की। बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकरा चुका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में यह तट से टकराया। इसके असर से बहुत तेज बारिश धामरा में हो रही है। ...120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। समंदर से उठती हाहाकारी लहरें। तबाही मचाने को आमादा चक्रवाती हवाएं। दाना आया, दहशत लाया। ये कुदरत के उस मिजाज की तस्वीरें हैं जहां किसी का बस नहीं चलता। दाना साइक्लोन की सनसनाती हवाएं और उन हवाओं के प्रभाव से उठती समंदर में लहरें तस्दीक कर रही हैं कि चक्रवाती तूफान के टकराने की ताकत क्या होती है। बंगाल की खाड़ी में बने इस प्रचंड तूफान से निपटने की तैयारियां तो बड़ी थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे कोई तैयारी काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ दाना नाम के इस चक्रवाती तूफान ने भी कर दिखाया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ये तूफान ओडिशा के तट से टकराया तो दिल दहला देने वाली तस्वीरों से लोगों का सामना हुआ। रात को 11-12 बजे के आसपास दाना जो है वो अपना कहर दिखाना शुरू किया और जो लैंडफॉल है वो लैंडफॉल भितरकर्णिका और धामरा के बीच में हुआ है। वहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही थी और उसके साथ काफ़ी बारिश हो रहा था। न सिर्फ ये जगह भद्रक, केंद्रपारा, धामरा, पूरी में भी बारिश हुआ। दाना तूफान की चक्रवाती हवाओं और भारी बारिश का असर ये हुआ कि केंद्रपारा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गईं। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही के संकेत देना शुरू कर दिए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि तेज बारिश और तूफान ने भद्रक में जबरदस्त तबाही मचाई है। दावा तो ये भी किया जा रहा है। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।